दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डीजे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम हैं लखनऊ में और हम आज आए हैं यहां हनुमान धाम मंदिर। देख सकते हैं आप मेरे पीछे हनुमान धाम मंदिर है और ये मंदिर शिव जी और हनुमान जी का स्पेशली मंदिर है और इसमें बोलते हैं 1.25 लाख हनुमान जी विराजमान हैं। तो आइए साथ में चल के देखते हैं। यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल रख सकते हैं आने के बाद। एंट्री करते ही आपको एक हनुमान जी का भव्य मंदिर दिखेगा और उससे पहले कई छोटे मंदिर हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको हनुमान गणेश जी दिखेंगे। आपको राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया दिखेंगी, हनुमान जी उनके पास स्तुति करते हुए और जस्ट इसके सामने। Thank you.
आप देख सकते हैं यहाँ पर गोमती नदी है पीछे, और पीछे आगे यहाँ पर ये झूले बने हैं। आप यहाँ आएँ और ज़रूर इसका आनंद लें, इसमें मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। और इस जगह पे इतनी शांति है, पीसफुल माहौल है कि आपको यहाँ एक बार आना चाहिए और यहाँ ज़रूर देखना चाहिए कि कैसे कैसे क्या यहाँ पर कलाकृतियाँ हैं। और आइए अपनी पूरी फैमिली को लेके आइए और इस जगह का आनंद लीजिए और प्रभु की भक्ति में लीजिए। जय श्री राम। ये हमारे कश्यप भाई हैं और ये यहाँ पर वोटिंग कराते हैं। तो भाई सब क्या चार्ज लेते हैं आप वोटिंग का? एक राउंड का चार्ज हमारा 300 है, लंबा राउंड होगा। अच्छा, और क्या कहते हैं आप क्या क्या दिखाते हैं उसमें? आज इधर घूमना चाहेंगे तो आपको मंदिर दिखाएंगे। अच्छा, इधर जाएंगे तो मैट्रो पुल है, हनुमान। अच्छा, उसके आगे अगर आप जाना चाहेंगे तो शाही स्मारक का निकल जाएंगे, वहाँ पे दिखा देंगे डालीगंज पुल, पक्का पुल। अच्छा, तो आप हमें अभी कहाँ घुमाने वाले हैं? अभी आपको मंदिर पर घुमाएंगे विसर्जन वाला घाट। अच्छा, और चलिए दोस्तों पास से देखते हैं चतुर मंजिल कैसी दिखती है। चलिए फिर चलिए। सफर में जा रहे हैं, अब आपको दिखाते हैं कि क्या है छतर मंदिर कैसी दिखती है पास से, और एक घाट भी दिखाएंगे। और ये देखिए पीछे हमारे क्या है ये चला रहे हैं बहुत मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, देखते हैं आगे का नज़ारा कैसा है। कितना प्यारा डेकोरेशन है, हमारे भारत का झंडा भी लगा है इसमें। टोटल कितने लोग हैं आपको? हनुमान धाम की तरफ से चलाने के लिए ही वो हनुमान धाम पे जितने सब लोग चलाते हैं उसके भी चार्जेस ही होंगे, मतलब वो हम लोगों के लिए टापू वगैरह बनवा के देंगे, जैसे यहाँ बैठने में दिक्कत हो रही है वो दिक्कत खत्म हो जाएगी मंदिर वालों की तरफ। इसमें जो है पैसेंजर है उनको भी दिक्कत नहीं होगी, जैसे सरिया वगैरह निकली लोकल लग जाती है वो नहीं। मंदिर वालों की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है, और ये उनकी देर है कि आ रहे सामान बनने के लिए उनको रोजगार मिला, वरना हम लोगों की बोली जो है बंद हो गई। आप पहले पहले थोड़ा सा चलती है, ये लखनऊ की प्रसिद्ध इमारत छतर मंजिल, बहुत पुरानी इमारत है ये। दोस्तों हम अब जा रहे हैं विसर्जन घाट, और अभी आपको दिखाते हैं विसर्जन घाट कहाँ। यहाँ पर क्या है गणेश विसर्जन और इस तरह की पूजाएं सब कुछ होती है, छठ पूजा
और ये सब का क्या है कार्यक्रम यहाँ पर होता है। पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हनुमान धाम मंदिर के बारे में बताएं। नमस्कार।